दोस्तों वेलकम टू द बोइंग 737। स्वागत है आप सभी का इस प्लेन में। मैं कैप्टन वेश शर्मा को इस प्लेन को उड़ाने जा रहे हैं, तो लेट्स गो। तो दोस्तों ऐसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, बड़े से बड़े 7 स्टार 5 स्टार और साथ ही में ढाबे में, पर मैं आज आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर के आ चुका हूँ जो आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आज हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के एकमात्र एरोप्लेन रेस्टोरेंट में। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं भैया, ये है प्लेन बोइंग 737 जो कि एक रियल प्लेन है। जी हाँ, इन्होंने इस प्लेन को जो है ऑक्शन में ख़रीदा था और इसके बाद में इसे रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। तो भैया आज इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भैया कैसे आओगे, कहाँ आओगे, ठीक है, क्या टिकट प्राइस है, खाने में आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो भैया आप लोग देख सकते हैं अपना बोर्डिंग पास भी आ चुका है। प्लेन में जाने के लिए बोर्डिंग पास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अपना आ चुका है। इसका प्राइस क्या है वो आपको लास्ट में पता लगने वाला है। तो फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भैया प्लेन कैसा होने वाला है। पहले तो मैं आपको जो है इसका बाहर से टूर देता हूँ, फिर उसके बाद में जो है हम आपको अंदर लेके जाने वाला है। तो जल्दी से आइए, चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं, ये है बोइंग 737 प्लेन। देख सकते हैं भाई, ये जो प्लेन है ये बिल्कुल रियल और असली प्लेन है। आप देख सकते हैं कॉकपिट के नीचे जो है भारत माता का झंडा लगा हुआ है, मेरा भारत महान, और यहाँ पर जो है इस प्लेन का नाम लिखा हुआ है। पूरा आपको टूर देंगे पहले कि भैया ये प्लेन जो है बाहर से कैसे दिखता है। ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये एक असली प्लेन है भाई। देखने में आपको लगेगा कि यार ये बनाया हुआ होगा यहाँ पे, बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ असली प्लेन है ये। जैसे कि आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है टायर देख लीजिए, प्लेन के रियल टायर्स हैं भाई, ये देख लीजिए। और ये पूरी जो है मशीनरी अंदर तक देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप ये लगी हुई है, पूरी ढंग से लगी हुई है भाई। मतलब पूरा प्रॉपर प्लेन है ये, इसे खरीद के बस एक रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है। इसका साइज़ देख सकते हैं भाई, कितना बड़ा साइज़ है यार। और अभी जो है हम लोग इस प्लेन के अंदर भी जाने वाले हैं, देखने वाले हैं भैया इसके अंदर क्या क्या है, अंदर से एम्बियंस का कैसा है। पहले आपको बाहर से दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इसके विंग्स हो गए, ये मोटर्स हो गई भाई। इसका जो मतलब साइज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ है। ये आप लोग देख सकते हैं भाई, दूर से देखने में कैसा लग रहा है यार। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और साथ ही में यहाँ पर जो है आप गेम जोन भी मिल जाएगा। इसका टिकट प्राइस अलग है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी। पहले हम लोग इस प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, एक पूरा राउंड दे देता हूँ मैं आपको इस प्लेन का, बाहर से कैसा दिखता है। मतलब जो फीलिंग आएगी ना, मतलब यार इसमें बैठने की, लोगों का सपना होता है प्लेन में बैठने का। अगर आप लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आप लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर के भी जो है पूरे प्लेन का जो है एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर ऊपर की तरफ जो कॉकपिट होता है वहाँ पर जाना भी अलाउ होता है। मैं आपको कॉकपिट में ले जा करके भी दिखाने वाला हूँ कि भैया कैसा व्यू आता है कॉकपिट से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भैया इसका अंदर से व्यू कैसा होने वाला है। सो वेलकम टू द कॉकपिट, आइए मेरे साथ में। सो गाइस देख सकते हैं, ये जो है इस प्लेन का कॉकपिट एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई देख सकते हो, बिल्कुल रियल कॉकपिट एरिया बना हुआ है यहाँ पे। मतलब आपको सारे बटन्स वगैरह सारी चीज़ जो है यहाँ पे आपको रियल में देखने के लिए मिलने वाली है। कॉकपिट एरिया आप लोग देख सकते हैं भाई, सारे बटन जो है यहाँ पे रियल दिए गए हैं। यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रखे हैं ना, ये सब कुछ रियल है भाई। पूरे एयरप्लेन में जो होता है वो रियल एयरप्लेन में सारी ऐसी ही होती है। कितने बटन है भाई, याद ही नहीं रख सकते नॉर्मल आदमी तो कुछ इस तरह से है। हमारे उदित भाई भी है, उदित भाई बैठो, आओ यार प्लेन में उड़ाओ थोड़ा सा। भाई व्यू देखो बाहर से, मतलब कोई पायलट यहाँ पे बैठता है ना, तो भाई उसको बाहर से कैसा व्यू आता है तभी आप लोग देख सकते हो भाई कैसा दिख रहा है। पर देखने में यहाँ से काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। कैसा लग रहा है भाई उदित? बस बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। उड़ा के देखे प्लेन? उड़ाए। तो दोस्तों वेलकम टू द बोइंग 737, स्वागत है आप सभी का इस प्लेन में। मैं कैप्टन वेश शर्मा को प्लेन को उड़ाने जा रहे हैं, तो लेट्स गो। पर भाई सच्ची बताओ ना, यहाँ पे बैठ के जो फीलिंग है ना भाई, बहुत ही अपने आप में अलग आ रही है। मतलब कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि भाई यहाँ से जो पायलट का व्यू होता है वो कैसा रहता है। मतलब भाई जब पायलट इस प्लेन को उड़ाता है तो भाई उसको कैसा फील होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खुद ही अपने आप भाई, कितने सारे मीटर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं भाई, अपने तो समझ से बाहर हैं ये सारी चीज़ें। ये हैंडल दिया गया है, ये जो है देख सकते हैं दोनों हैंडल एक साथ चलते हैं, ये देख सकते हैं आप।
बाकी काफ़ी अच्छा है, पूरा देख लो आप, आराम से देख लो, कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे भी बता देना भाई। इसमें से स्टार्ट करे, क्या स्टार्ट करेगा, कूलिंग नॉर्मल, ड्राइव टेम्परेचर राइज, कुछ भी कर दो, ऑन ऑफ, ये क्या है। इसके बाद में स्पीड ब्रेकर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है, पार्किंग बटन है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ का है पता ही नहीं। डीजे राजेश। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ इस प्लेन के अंदर, और अंदर से जो भाई इस प्लेन का एम्बियंस है ना, वो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना वेल डेवलप बनाया गया है। हमारे साथ है सूरज सर, जो कि हमें प्लेन के बारे में कुछ बताने वाले हैं। सर हमें कुछ प्लेन के बारे में बातें बताइए। थैंक यू सर। प्लेन का जो ना वर्जन है सर, बोइंग 737 है, और इस रेस्टोरेंट को एरोप्लेन रेस्टोरेंट नाम से जाना जाता है, और राजस्थान स्टेट का ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एरोप्लेन कॉन्सेप्ट। जी, ऑल ओवर राजस्थान में सिर्फ ये एकमात्र एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, जैसा कि भैया ने हमें बताया। और क्या चीज़ें भैया बताइए। इसके अलावा ये दूसरे राज्यों में देखा जा सकता है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली या कलकत्ता में सर। राजस्थान में तो फर्स्ट है, और इसमें हमारा बहुत डिलीशियस फूड डिलीवर करते हैं हम, जैसे कि इटालियन, थाई, मैक्सिकन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, तंदूर, स्वीट्स, बेस्ट है, बेस्ट टीम है सर हमारी। सेवा का मौका दीजिए सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर। कितना टाइम हो गया सर इस प्लेन को यहाँ पे आए? 6 महीने कंप्लीट हो गए, 1 मार्च को यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ था। 1 मार्च उद्घाटन? जी सर। जी जी, मतलब 1 मार्च 2022 को यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्लेन आ चुका था। पूरा आपको व्यू जो है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बैठ के खाने का मज़ा जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सर ने हमें बताया कि भाई इधर का जो फूड है वो काफ़ी डिलीशियस है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेन्यू कार्ड में आपको दिखा देता हूँ भाई कैसा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ गाइस कि मतलब आप लोग, ऐसा भी नहीं कि भैया अगर प्लेन वाला है तो भैया कोई चीज़ महंगी होगी, नॉर्मल जो प्राइस होती है ना वो सारी नॉर्मल प्राइस आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी। और अभी हम लोग भी जो है फूड ऑर्डर करने वाले हैं, तो उसका भी मैं आपको टेस्ट बताने वाला हूँ कि भैया कैसा होने वाला है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसका मेन्यू कार्ड है, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है इसकी, जो ये आप लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है पूरे प्लेन के अंदर। साथ ही में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर सीट के नीचे जो है सीट नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 अलग अलग सीट नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यार भी अच्छा है, आप लोग देख सकते हो भाई कितना प्यारा, मतलब यहाँ का जो व्यू है ना, एम्बियंस है ना, काफ़ी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एम्बियंस। अब हम लोग जो है फूड ऑर्डर करते हैं और टेस्ट करते हैं भाई कैसा है यहाँ का फूड। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, हम लोगों ने एक पाव भाजी और एक वेज ग्रिल सैंडविच ऑर्डर किया है, तो भैया वो आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक आप लोग पीछे का व्यू भी आप लोग देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा आ रहा है, और यहाँ पे बैठ के जो खाने का मज़ा है ना वो अपने आप में अलग होने वाला है। तो खाते हैं और देखते हैं भाई कैसा रहता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया हम लोगों ने पाव भाजी और साथ में ग्रिल सैंडविच जो है ऑर्डर किया था, तो भैया हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सैंडविच ट्राई करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है भाई, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे वेजिटेबल्स डाले गए हैं, मेयोनीज इसके अंदर है। तो हम लोग जो है ट्राई करते हैं हमारा पाव भाजी, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है। वैसे तो भाई मैंने यहाँ पे छाला वाला, बट आप लोगों के लिए जो है ट्राई कर रहा हूँ, तो यार लाइक ज़रूर ठोक देना। देख सकते हैं ये है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है भाई, मज़ा आ गया खा के। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग एक ऐसे रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं भाई जहाँ पे आपको डिलीशियस फूड के साथ में अच्छा एम्बियंस और साथ ही में आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाए, तो भाई ये जो रेस्टोरेंट है ना बिल्कुल परफेक्ट जगह है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, एरोप्लेन के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं, और साथ ही में ऐसा शानदार जो फूड है वो लोग आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आकर के आप लोग एक बार ट्राई करें, काफ़ी अच्छी प्लेस लगी मेरे को। तो दोस्तों हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है वो यहाँ पर हो चुका है। ये यहाँ पर अगर आप लोग को आना है तो ये जो जगह है ये खाटू श्याम जी के मंदिर से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर पहले पड़ती है। इस जगह का नाम है बोइंग 737 एयरप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि ये आप लोग एयरप्लेन देख सकते हैं, ये एक रेस्टोरेंट है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इस जगह की टिकट प्राइस के बारे में। तो भैया ये जो आप लोग मेरे सामने जो ये
बोर्डिंग पास देख पा रहे हैं, ये ही इसका टिकट है। जी हाँ, इसका टिकट प्राइस होने वाला है मात्र 150 रुपीज़। जी हाँ, और उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 50 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपका टिकट प्राइस रहेगा, और बाकी के जो 100 रुपीज़ आपके बचेंगे ना, वो आपके फूड में से डिडक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिडीम 100 रुपीज़ का जो एक छोटा सा कूपन है, ये जो 100 रुपीज़ का कूपन है ये आपके फूड के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको 150 रुपये टिकट के टाइम पे देने होंगे, और अगर आप लोग कुछ भी फूड में ऑर्डर करेंगे जब भी, तो उसमें से 100 रुपीज़ जो है ये लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस रास्ते में आ रहे हैं या फिर एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जो अपने आप में ही यूनिक हो और साथ ही साथ में उसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा, और साथ ही में आपको काफ़ी सारी फोटोज़ खींचने के लिए मिल जाए, तो भैया ये जो जगह है ना, ये परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं गेम जोन भी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी सारे गेम जो हैं बच्चों के बड़ों के लिए भी हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक क्रिकेट गेम भी है जिसके अंदर वर्चुअल क्रिकेट होता है, मतलब लगभग 100 रुपीज़ के अंदर आपको 30 बॉल्स कराई जाएगी जो कि आप लोग खेल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये रेस्टोरेंट, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भैया ये जो एयरप्लेन रेस्टोरेंट है ये अभी राजस्थान का एक इकलौता रेस्टोरेंट है, और साथ ही में अभी इसको आए हुए सिर्फ मात्र 6 महीने हुए हैं। जी हाँ गाइस, मात्र 6 महीने पहले ही ये जो एयरप्लेन है यहाँ पर आया है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा गार्डन भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप लोग अपने बच्चों के साथ में जो है इन्जॉय भी कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो वो गार्डन में भी खेल सकते हैं, और साथ ही में गेम जोन में भी खेल सकते हैं। तो भैया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर ये इतना बड़ा प्लेन जो है आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो को पूरे जयपुर में, राजस्थान में, राजस्थान से आउट में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।